नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। मैं हूं आपके साथ रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से। मामा के लड़के ने छात्रा को किया किडनैप, 4 दिन तक दोस्तों संग मिलकर किया गैंगरेप। कानपुर में युवक ने ममेरी बहन का पहले अपहरण किया, फिर 4 दिन तक दोस्तों के साथ मिलकर उससे गैंगरेप किया। इसके बाद उसे रात के समय सुनसान सड़क पर छोड़ दिया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। पीड़िता के परिजनों का कहना है कि वे पुलिस की कार्यवाही से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं। पुलिस बाकी के 2 आरोपियों को क्यों गिरफ्तार नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 12वीं कक्षा की छात्रा का उसके मामा के लड़के ने पहले अपहरण किया, फिर एक घर में ले जाकर 4 दिन तक दोस्तों के साथ मिलकर गैंगरेप किया। इसके बाद लड़की को रात के समय सुनसान सड़क पर छोड़ गए। कानपुर पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया है और थाने भी ले गई है। छात्र ने वहां मेरे भाई और उसके साथियों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। वहीं पीड़िता के घर वालों का सृजनों का आरोप है कि पुलिस ने भी इस मामले में लापरवाही दिखाई है। पुलिस ने लड़की के साथ हुए गैंगरेप की सूचना उन्हें 12 घंटे बाद दी, जबकि उन्हें पहले ही इस बारे में पता चल गया था तो उन्हें बता देना चाहिए था। छात्रा के परिजनों का यह भी आरोप है कि पुलिस एक आरोपी को जेल भेजकर बाकी 2 अन्य लड़कों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। कानपुर के गुजहनी के रहने वाली 12वीं कक्षा की छात्रा 18 जुलाई को अपने स्कूल के गेट से लापता हो गई थी। 4 दिन बाद गुजहनी पुलिस ने उस लड़की को सुनसान सड़क से बरामद किया। छात्रा का आरोप है कि मेरा भाई कल्लू मुझे यह कहकर स्कूल के गेट से ले गया था कि चलो तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया है और उसके साथ 2 लड़के सोनू और राम सलजी भी थे, वे तीनों उसे एक घर में ले गए। वहां उन्होंने 4 दिन तक उसके साथ गैंगरेप किया। ब्यूरो रिपोर्ट, कानपुर। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए आरपीएस समाचार।